वायु प्रदूषण और धूम्रपान करने से लोगों को फेफड़ों का कैंसर बड़ी तेजी के साथ बढ़ रहा है, जिसके लिए दिल्ली इंद्रप्रस्थ हॉस्पिटल के चिकित्सकों ने जानकारी दी है। चिकित्सकों ने लोगों को जागरूक किया है कि फेफड़ों के कैंसर के इलाज में लापरवाही घातक हो सकती है। देश के कोने कोने तक आम लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाने की पहल के तहत नई दिल्ली स्थित इंद्रप्रस्थ अपोलो अस्पताल के विशेषज्ञों ने प्लास्टिक सर्जरी और फेफड़ों के कैंसर की जांच को लेकर विकसित नई तकनीकों के बारे में जानकारी दी। आज की ये जो कॉन्फ्रेंस है वो प्लास्टिक सर्जरी का स्कोप पूरा बताने, प्लास्टिक सर्जरी ब्रॉड विषय है और उसके अलग अलग पार्ट्स हैं जिसमें रिकंस्ट्रक्टिव भी होता है, जिसमें कॉस्मेटिक भी होता है, तो उन सब के बारे में एक पूरा रेंज बताने की क्या क्या तकलीफें, क्या क्या परेशानी, क्या क्या ऑपरेशन, क्या क्या प्रोसीजर हो सकते हैं, क्या उसका आउटकम हो सकता है, क्योंकि जब हम प्रॉब्लम और रिजल्ट दोनों देखेंगे तो हमें आइडिया लगता है कि हाँ ये चीज़ हो सकती है, क्योंकि ये आम पब्लिक में नहीं, हमारे डॉक्टर कोलीग्स में भी बहुत अच्छे से उनको एग्जैक्टली पता नहीं है कि हम क्या क्या करते हैं, तो इसलिए इस बारे में सारा ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है कि जागरूकता। तो आज का मेरा विषय है लंग कैंसर के बारे में बताना, उसके बारे में जागरूकता पैदा करना कि लंग कैंसर कैसे होता है और उसका कैसे इलाज होता है। देखिए, लंग कैंसर का सबसे पहला कारण और सबसे इम्पॉर्टेंट कारण यही है कि तंबाकू या स्मोकिंग। अगर हम तंबाकू या स्मोकिंग बंद कर दें तो 90% लंग कैंसर नहीं होने का। ठीक है, हमारे देश में 30-40% लोग स्मोकिंग करते हैं, 2 करोड़ से ज़्यादा बच्चे भी 10 से 14 साल की उम्र में स्मोकिंग करते हैं, तो उससे ना सिर्फ लंग कैंसर, बहुत सारे कैंसर होने की संभावना होती है। लंग कैंसर हो, पैनक्रियाटिक कैंसर हो, ब्लैडर कैंसर हो और पेट के बहुत सारे कैंसर हो सकते हैं। तो लंग कैंसर हमारे देश में ज़्यादातर आखिरी स्टेज में पता चलता है, 100 में से 90-80% आखिरी स्टेज में पता चलता है। जब आखिरी स्टेज होती है तो बहुत कम लोगों को बचाया जा सकता है, बहुत कम लोगों का कैंसर कंट्रोल किया जा सकता है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में नई दिल्ली स्थित इंद्रप्रस्थ अपोलो हॉस्पिटल के सौंदर्य प्लास्टिक और कॉस्मेटिक सर्जरी विभाग के वरिष्ठ सलाहकार डॉक्टर कुलदीप सिंह और ऑन्कोलॉजिकल सर्जरी के वरिष्ठ सलाहकार डॉक्टर एसएम शोएब जैदी ने मौजूदा समय में फेफड़ों के कैंसर से ग्रस्त रोगियों की संख्या बढ़ने और प्लास्टिक सर्जरी के बढ़ते इस्तेमाल को लेकर भी चर्चा की। कार्यक्रम के दौरान डॉक्टर कुलदीप ने मौजूदा समय में प्लास्टिक सर्जनों द्वारा अपनाए जा रहे नैतिक मानकों, सुरक्षा प्रोटोकॉल और अग्रणी तकनीकों के बारे में विस्तार से बताया। उन्होंने इस क्षेत्र में सक्षम विशेषज्ञों की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए, कुशल डॉक्टरों को विकसित करने के लिए इंद्रप्रस्थ अपोलो जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में जारी प्रशिक्षण पहल के बारे में भी बताया। सी न्यूज के लिए लक्ष्मी राज सिंह की रिपोर्ट। आगरा के सर्वाधिक लोकप्रिय चैनल सी न्यूज के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें।